बेटा अठवीं क्लास का अध्याय नौ अभ्यास 9.2 का चौथा सवाल करन जा रहे हैं। ध्यान देखना बेटा, सानू कहा जा रहा है कि इस तरह के आयताकार बक्सियां का आयतन, बेटा आयताकार बक्से किहड़े होंदे ने, कनाव के आकार के होंदे ने। कनाव जिमें कि बेटा तुसी अपना कोई भी बॉक्स देख लो, जे जमैट्री बॉक्स कह सकते हो, इस तरह का कोई भी डब्बा जिहदी लंबाई भी होंदी है, चौड़ाई भी होंदी है, तो उचाई भी होंदी है, उसनों असी कहने हैं आयताकार बक्सा। हुण उन्हें क्या जिन्हां दी लंबाई चौड़ाई तो उचाई दिती गई है, बेटा याद रखना है आयतन बक्से का आयतन होंदा लंबाई गुना चौड़ाई गुना उचाई, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये उचाई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रैक्टेंगुलर बॉक्स हूज लेंथ बाय द हाइट आज गिवन। तो मैं देखो आयतन लिख लिया है, आयतन का फार्मूला साडा होंदा लंबाई गुना चौड़ाई गुना उचाई, इंग्लिश दे विच वॉल्यूम नूं लैंदे हां, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, पूरा लिखण दी लोड़ नहीं होंदी, इंग्लिश दे विच एल बी एच वी लिख सकते हैं। तो देखो लंबाई मैं लिख ली है, पांच चौड़ाई भी लिख ली है, तो उचाई भी लिख ली है। हुण तुसीं किदां करदे हो, तुहानू मैं दस्या सीगा, तुसीं मैथ वाली रकमां नूं गुणा करदे हो, पांच गुणा तीन गुणा सत्त, इस तों बाद सारयां दे आधार देखो सेम है, ए ए ए, तो ए दे उत्ते घातां नूं जोड़ना है, किन्ने हो गए, ए दी घात एक, ए दी घात दो, तीन हो गई, तो दो पांच। मेरी गल समझ आई बेटा किस तरह मैं कर रहा है? जेकर आधार सेम है, इत्थे भी ए है, इत्थे भी ए है, इत्थे भी ए है, फिर तुसीं घातां नूं जोड़ देना है। जेकर ए ते बाद बी हुंदा फिर नहीं कुछ करना सी, फिर वक्रे वक्रे लिखना सीगा। हुण सत्तू दी है इक्की, इक्की नूं पंज नाल गुणा किया एक सौ पांच, तो साडा आंसर आ गया एक सौ पांच ए दी घात पांच, तुहाडा इस सवाल का आंसर होएगा, जो कि तुहाडा आयतन है बेटा। इसे तरह असी इसका अगला भाग करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखना तुसीं सारयां ने। फिर मैं अपना आंसर लिख लिया है, फॉर्मूला लिख लिया है, आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना उचाई एल बी एच, एल बी एच नूं भर लिया है। हुण आपां अपने मैथ वाली रकमां नूं गुणा करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो, दो गुणा चार गुणा अठ, दो गुणा चार गुणा अठ, पी क्यू ते आर, बेटा सारे वक्रे वक्रे ने, इस करके पी क्यू आर तीन ही लिखे जाणगे। चार दुनी अठ, अठू अठा चौंठ, तो तुहाडा आंसर आ गया चौंठ पी क्यू आर, इस सवाल का आंसर होगा। कितना सौखा बेटा, सिर्फ मैथ वाली रकम गुणा करनी है, तो इंग्लिश वाले अक्षर जो सेम ने तो घाता जोड़नी है, नहीं तो फिर वक्रे वक्रे लिखने होंगे ने। जिमें कि तीजा भाग देखो बेटा, फिर असी अपना फॉर्मूला आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना उचाई लिख लिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लंबा एल इंटू बी इंटू एच है, एल बी तो एच दी भर लिया है, ये अगर कुछ नहीं तो एक होएगा बेटा। तो मैथ वाले अक्षर असी गुणा करांगे एक गुणा दो गुणा दो। हुण ध्यान नाल देखना बेटा, अगे एक्स के उपर घात कुछ नहीं है तो एक होएगी, इधर दो है इधर एक है, टोटल किन्नी घात हो गई, एक दो तीन तो एक चार, आई गल समझ। हुण वाई के उपर घात इतने एक है, इतने भी एक है, इतने दो है, टोटल ये भी तो चार ही हो गई। बहुत ही सौखे ढंग सवालों समझाया जा रहा बेटा, तुहानू दो दूनी चार, चार एकम चार, तो फाइनल आंसर तुहाडा की आ गया है चार, एक्स की घात चार, वाई की घात भी चार, ये तुहाडा इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया। कितना सौखा बेटा, अगला देखो, असी फिर फॉर्मूला लिख लिया है आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा उचाई, वॉल्यूम होंदा है एल गुणा बी गुणा एच, एल बी ते एच वैल्यू भर लिया ने। हुण ध्यान देखो असी गुणा किदां करांगे, ए दे मोहरे कुछ नहीं है, एक लगेगा, हुण एक किहदे नाल गुणा होएगा, दो नाल, फिर गुणा होएगा तीन दे नाल, ते बाकी ए बी ते सी वक्रे वक्रे ने, ते वक्रे वक्रे ही लिखे जाणगे। हुण तुसीं देख सकते हो तीन दुनी छे कम छे ए बी सी, तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया है। इस तरह साढ़े जिहड़े भाग ने चारों वो कंप्लीट हो गए ने। हुण असीं अपना पंजवां सवाल शुरू करांगे, ध्यान नाल देखियो बेटा, बहुत ही सौखे तरीके नाल तुहानूं कराया जा रहा है। पंजवें सवाल च कहा गया हेठ लिखिया का गुणनफल पता करना, बस फाइंड द प्रोडक्ट। बेटा सिर्फ गुणनफल पता करना, यदा मतलब पहली रकम लिखांगे एक्स वाई, फिर गुणा का निशान, फिर वाई जैड, फिर गुणा का निशान, फिर जैड एक्स। बेटा ध्यान रखना है कि गुणा तो एक्स के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, गुणा बिल्कुल सीधी लगानी है, एक्स थोड़ा जहा मोड़ना है ताकि पता लगे कि मैं किहड़ा एक्स पाया तो किहड़ी गुणा का निशान है। हुण तुसीं ध्यान देखो कि साडे कोल एक्स किन्ने ने, एक्स की घात इत्थे एक, इत्थे भी एक, तो एक्स की घात होगी साडे कोल दो, वाई इत्थे भी एक, इत्थे भी एक, वाई की घात भी दो, तो जैड की घात भी दो, ये तुहाडा इस सवाल का आंसर। बेटा गुणा ध्यान नाल समझो बेटा, मैथ वाली रकमां गुणा होंदियां ने, तो इंग्लिश वाली रकमां जदों गुणा होंदियां ने तो सेम वाली, एक्स ने एक्स नाल गुणा होना है, वाई ने वाई नाल, जैड ने जैड नाल, तो गुणा होंदे टाइम घातां जुड़दियां ने बेटा।
जिमें देखो हूँ ए गुणा होएगा माइनस ए दी दो नाल गुणा होएगा ए दी तीन दे नाल। हूँ मैथ का आखर कोई भी नहीं है पर एक माइनस है वो माइनस बार आ जाएगा सब तो पहली गल है। हूँ गिणो ए ए ए सारे सेम ने घाता जोड़ दो एक ते दो तीन ते तीन छे ए दी घात छे तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया। आई गल समझ। अगला भाग देखो दो है फिर गुणा चार वाई है फिर गुणा अठ वाई दी दो है फिर गुणा सोलह वाई दी तीन है। हुण तुसीं की करना है तुसीं दो नूं फिर चार नाल फिर अठ फिर सोलह ये सारे तो कर देने गुणा तो वाई दी घात इत्थे एक है इत्थे दो है इत्थे तीन है मिला के तीन ते दो पंज ते एक छे बन गई वाई दी घात। हुण गुणा करिए चार दूनी अठ अठू अठ चौंठ चौंठ नूं असीं सोलह नाल गुणा करनी है बेटा पहले लिख के दिखा देने एग्जामीनर नूं कि चौंठ गुणा सोलह वाई दी घात छे साडा आंसर होएगा। हुण असीं चौंठ नूं सोलह नाल गुणा करांगे तो अपना आंसर लिखांगे तो चौंठ नूं सोलह नाल गुणा करके साडे कोल 1024 आया बेटा तो 1024 वाई दी छे साडा आंसर आ गया। इस तरह चौथा भाग देखो बेटा ए है फिर गुणा का निशान दो बी है फिर गुणा का निशान तीन सी है फिर गुणा छे ए बी सी है। हूँ जब असी गुणा करना है तो सब तो पहला देखो ए दे मोरे कुछ नहीं तो एक होएगा एक गुणा होएगा दो दे नाल गुणा होएगा तीन दे नाल गुणा होएगा छे दे नाल ए मैथ वाली रकम हो गई। हूँ एक ए है एक ए आ रहा तो ए दी घात दो हो गई एक बी तो एक बी बी दी घात भी दो हो गई एक सी तो एक सी सी दे उत्ते भी घात दो आ गई छे तीन दुनी छे तो छे छिका छत्ती ए दी घात भी दो बी दी घात भी दो सी दी घात भी दो ये तुहाडा इस सवाल का आंसर होएगा है ना सुखा बेटा। हूँ अगला भाग करन जा रहे हैं पंजवा ध्यान देखियो। हूँ देखो इधर एम दी गुणा होनी है माइनस एम एन दे नाल गुणा होनी है एम एन पी दे नाल कोई मैथ दी रकम नहीं है पर एक माइनस है वो लगेगा एम इत्थे एक दो ते तीन ने ते एम दी घात तीन होगी बेटा घात च लिखना इधर तीन एम ना लिख दियो जो जदों जोड़ करते हैं फिर गुणांक जुड़ते हैं जो गुणा करते हैं तो घाता जुड़ती ने ठीक है इदा ही एन किन्ने हो गए दो तो एन के उपर दो घात पी कला है तो पी कला ही रहेगा ये तो इस सवाल का आंसर होएगा। तो बेटा इस तरह साड़ी जी अभ्यास कंप्लीट हो गई है। हूँ 9.2 अभ्यास कंप्लीट करन तो बाद मैं उम्मीद करांगा कि तुहानू गुणा करन दे विच कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस गल का ध्यान रखियो कि जदों आपां एक्स दे विच एक्स नू गुणा करते हाँ तो बेटा घातां जुड़दियां ने एक्स दे उपर घात जुड़ गई लेकिन जदों अभी एक्स दे विच एक्स नू जोड़दे हाँ तो फिर उन्हां दे गुणाक जुड़दे ने तो इस कंसैप्ट नू ध्यान रखते हुए सवालों नू हल करना है बेटा गुणा विच घातां नू जोड़ना है जोड़ दे विच गुणाकां नू जोड़ना है। तो उम्मीद करांगा कि तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आई होवेगी। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे मेरा समझाया समझ आ रहा होवे तो जरूर लाइक करया करो वीडियो नू जरूर कमेंट करया करो तो मेरे चैनल नू बेटा सबसक्राइब करना ना भुल्यो ता जो मेरे वल्लों बनाई बनाई जाण वालियां वीडियोज़ जां बनाई जा चुकियां गईयां वीडियोज़ तुहाडे फोन ते शो हो सकन।